एवरीवन, चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसके क्वेश्चन बिल्कुल पूछेंगे, मतलब 5 से 6 मार्क्स मिनिमम। ठीक, सेकेंड चैप्टर के भी ऑलमोस्ट 6 to 7 मार्क्स, 5 to 6, सारे इक्वल वेटेज है, बट इसका मिनिमम 5 to 6 का आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस भी थे। ठीक है, चैप्टर 4 इज गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। हम लोगों ने पढ़े थे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज आर साइन कुआ नॉन फॉर बिजनेसेस ग्रोथ। इसेंशियल है बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज, राइट? क्या हर गवर्नमेंट की पॉलिसी सेम रहती है हर कंट्री में? नहीं, बिजनेसेस को अफेक्ट करती है क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज? बहुत ज्यादा। यस, यहाँ पे एग्जाम्पल था कि बांग्लादेश में वो लोग इजिली आप सेकेंड हैंड कार्स बेच सकते हैं, इंडिया में बेच सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी वो अलाउ नहीं करते। अगर किसी फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इंडिया में कार बेचना है तो कैसा बेच सकते हैं? दो वेज है, एक तो ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करो इंडियन फॉर्म के साथ, या 100% या फिर होली ओन सब्सिडियरी बनाओ इंडिया में। मुझे बोलो टोयोटा मोटर्स कैसे आए थे इंडिया में ज्वाइंट वेंचर बना के, किसके साथ? किर्लोस्कर मोटर्स के साथ। ठीक है, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के साथ ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करके आया था। दूसरा कौन है जो हुंडई इंडिया लिमिटेड के साथ इंडिया में? हाँ, हुंडई लिमिटेड जो है उसने हुंडई इंडिया लिमिटेड नाम की होल्डी ओन सब्सिडियरी बनाई थी, जिसके थ्रू वो इंडिया में आया था। ठीक है, यस। उसके बाद में क्या आप लोग इक्वल सारे कंट्रीज में बिजनेस चला सकते हैं? क्योंकि हर बिजनेस का, हर कंट्री का गवर्नमेंट पॉलिसी अलग है। यस, पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया, हम लोगों ने पढ़े थे कि एकदम एंशिएंट इंडिया में हिस्टोरिकल स्केच, सबसे पहले 3 यूनिवर्सिटीज में जो है वो स्टार्ट होती पब्लिक पॉलिसीज। बोलो कौन से है? नालंदा, तक्षशिला, वैशाली, राइट। उसके बाद में चाणक्य, मतलब कौटिल्य ने कौन सा बुक लिखा था? अर्थशास्त्र। उसमें दो चीजें थे, पब्लिक पॉलिसी और स्टेट क्राफ्ट। ठीक है, उसके बाद में ग्रीक फिलोसोफर्स थे, अरिस्टोटल, प्लाटो, इन लोगों ने डिस्कशंस किए। उसके बाद में पीस एंड हार्मनी वाले पॉलिसीज किसने बनाए? अशोका दि ग्रेट। ठीक है, और किसने लैंड रिफॉर्म्स लेके आया? टोडरमल, टोडरमल। ठीक है, अकबर के एम्पायर में नवरत्न थे, उसमें से टोडरमल की रिलेशनशिप में, सॉरी कंसेप्ट को लीडरशिप में लैंड रिफॉर्म्स आते, स्ट्रिंजेंट रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और किसने? ठीक है, हाँ, उसके अंदर यहाँ पे कुछ है मोनार्की एंड ऑल। मोनार्की मतलब किंग या फिर क्वीन रूल करते हैं, उसके लिए टाइरनी मतलब क्रूअल गवर्नमेंट है, खराब गवर्नमेंट है। यस, फिर इंडिया अंडर ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल किया तो उन्होंने लोगों को लूटने के लिए कौन सा सिस्टम लेके आए थे? लोगों को लूटने के लिए, शेतकरी लोगों को, पीजेंट, हाँ, जमींदारी सिस्टम। ठीक है, यस, ये बोला है दादाभाई नौरोजी ने उनकी बुक पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया में। ठीक है, जमींदारी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम लेके आए तो एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन पीजेंट्स, इजी। यस, उसके बाद में 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे। यस, 1948 में भी उनको फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी पड़ी विद इन फ्यू मंथ्स। उसके बाद 1950 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, जहां पे राइट टू बिजनेस या फिर क्या बोलते हैं उसको, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस उनको मिला बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? 1951 में आया। कौन बनाता था पहले? प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन आया 1956 में। फिर सबसे बड़ा रिफॉर्म आया 1991 में, न्यू लिबरल पॉलिसीज बोलते, जहां पे हम लोगों ने गवर्नमेंट का कंट्रोल रेगुलेशंस हटाया है 3 स्टेप्स में। क्या क्या है वो स्टेप्स? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद मुझे बोला हम लोगों ने 1937 में कौन सा टाइप ऑफ सिस्टम फॉलो किया? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कौन सा फॉलो किया? सोशलिज्म, मिक्स्ड कैपिटलिज्म, मिक्स्ड फॉलो किया, लेकिन उसमें ज्यादा फीचर सोशलिज्म के थे, मिक्स्ड ही फॉलो किया। देखो, अगर आपसे पूछते कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड विच इकोनॉमिक पाथ, देन इट इज मिक्स्ड। हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक पाथ ही फॉलो किया, लेकिन उसमें ज्यादा फीचर कैपिटलिस्टिक के थे। ठीक है, सोशलिस्टिक के थे, सॉरी। तो ऐसे पूछते कि इट मे बी रिगार्डेड एज द
followed by India may be regarded as socialistic. क्योंकि उसका बोल सकते सोशलिस्टिक था क्योंकि उसके ज्यादा फीचर सोशलिस्टिक थे, बट एक्चुअली फॉलो कौन सा किया ये दोनों भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना. ठीक है, हमारी इकोनॉमिक फ्लेस भी क्या पहले भाग ही कंट्रीज के लिए 1991 के बाद में ओपन हो गया क्या? यस. ठीक है, मुझे कहो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है क्या वो सिर्फ डिमांड साइड बनाती है सप्लाई साइड बनाती है? दोनों दोनों. ठीक है, डिमांड को भी अफेक्ट करता है सप्लाई को भी अफेक्ट करता है. उसके बाद में है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस, कि कैसे कैसे पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है बिजनेसेस के लिए. इसमें हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिस्कस कर रहे हैं, वही इसमें है सिर्फ नाम अलग अलग है. ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसमें फिस्कल पॉलिसी है, सेकंड वाला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, फिर एंड था मॉनिटरी पॉलिसीज, लास्ट वाला ये था एग्जिट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट विच इज फॉरेन ट्रेड. समझा? हाँ, मुझे बोलो फिस्कल पॉलिसीज मतलब क्या? बजट रिलेटेड गवर्नमेंट का रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर. मॉनिटरी पॉलिसीज आरबीआई जो बनाती है मनी एंड क्रेडिट का सप्लाई कंट्रोल करने के लिए. यस, तो ये दोनों माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट माने जाते हैं. ठीक है, क्योंकि ये पूरी कंट्री को एज अ होल अफेक्ट करेंगे. मैंने अगर इंटरेस्ट रेट चेंज किया तो हर सेक्टर का लोन महंगा हो जाता, समझा? यस. लेकिन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ये तीनों पर्टिकुलर सेक्टर को अफेक्ट करती. क्या एग्रीकल्चर के लिए पॉलिसी बना रहे तो उसे एग्री सेक्टर को अफेक्ट करेगा, तो ये क्या हो गया सेक्टर मैनेजमेंट. ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज के पांच भी टाइप्स है, उसको डिवाइड किया है दो कैरेक्टरिस्टिक वाइज. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट में आता है फिस्कल एंड मॉनेटरी, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आते हैं सेक्टर मैनेजमेंट में. समझो? यस. फिर कुछ फैक्टर्स है जो हमारे बिजनेसेस के लिए अच्छे है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे खाने में नमक नहीं है बट ज्यादा नमक भी नहीं चलता, समझा? ऐसे तो बिजनेस के ग्रोथ के लिए कुछ पर्टिकुलर फैक्टर चाहिए लेकिन वो ज्यादा चाहिए या कम चाहिए वो डिपेंड करता है. ठीक है, पांच फैक्टर्स है जीडीपी, जीडीपी बढ़ता हुआ चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि इससे क्या होता है इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म रहता और हाई डिमांड एक्सपेक्टेशंस. जीडीपी मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, है ना? जीडीपी बढ़ रहा मतलब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे, समझ में आया? मतलब लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं उस चीज का, तो इकोनॉमी उसकी चल रही, इसलिए जीडीपी बढ़ता हुआ रहना चाहिए. इन्फ्लेशन मॉडरेट होना चाहिए, कम इन्फ्लेशन रहा तो लोगों को जो है ना लगता है इकोनॉमी एकदम स्लो है, ऑप्टिमिज्म नहीं रहता. अगर इकोनॉमी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा भी है तो वो भी अच्छा नहीं है, समझो? हाँ, तो मॉडरेट रहना चाहिए क्योंकि इससे डिमांड और प्रॉफिट बढ़ेंगे. आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन्फ्लेशन कैसा रहना चाहिए, लोअर मीड मॉडरेट हाइयर या एक्सट्रीमली? देखो एक्सट्रीमली लो रहना चाहिए, ठीक है, इन्फ्लेशन एक्सट्रीमली हाई कम रहेगा बट एक्सट्रीमली लो नहीं चलेगा, समझा? ये ध्यान में रखना, एक्सट्रीमली लो इन्फ्लेशन कभी नहीं रहना. ठीक है, यस. टैक्स ज्यादा रहा हो बेटर है, कम रहा हो बेटर है? लोअर में बेटर, क्योंकि इससे लोगों के पास आफ्टर टैक्स इनकम ज्यादा बचेगी, है ना? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स लोअर में बेटर, क्योंकि इनको जो ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें कैपिटल ज्यादा लगता है या फिर प्रॉफिट कम है वो इजिली कर पाएंगे लोग. यस, एक्सचेंज फॉरन एक्सचेंज रेट मॉडरेट रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए वहां पर आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैलेंस रहे, समझा? मतलब एक्सपोर्ट्स के लिए इंसेंटिव मिले, इम्पोर्टर्स को जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने के लिए बढ़ावा मिले, समझा? मतलब बाहर से खरीदने के अच्छा यहीं पे प्रोड्यूस कर दो. लेकिन यहाँ पे एक अजम्पशन है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब ये तो फैक्टर्स है. अभी ऐसा हो गया कि दो कंट्रीज में झगड़ा चल रहा, बिल्कुल इन्फ्लेशन बढ़ रहा, तो ये अच्छी चीज है क्या? बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट रहना, सिर्फ ये फैक्टर्स ऐसे नहीं होना, तो बिजनेस के लिए कंड्यूसिव है, मतलब हेल्पफुल है, अच्छा है, समझा? इजी है? यस. पॉलिसी फॉर्मेशन प्रोसेस पांच फैक्टर्स है, पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट उसको रीजन रहता है पॉलिसी बनाने के पीछे, फिर कंटिन्यू पॉलिसी कंटेंट रहेगा, आपको इंस्टीट्यूशन का हेल्प लेना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट बनेगा और मार्केट एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस पर अपनी राय देंगे. एग्जाम्पल जीएसटी बनाने के लिए पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट था वन नेशन वन टैक्स, पूरे कंट्री में सेम टैक्स चाहिए. पॉलिसी कंटेंट क्या था? बेयर एक्ट बना दिए जीएसटी का, अपना सर्विस टैक्स और जो वैल्यू एडेड टैक्स था उन दोनों का मिला के. फिर क्या उनको सीए वगैरह की हेल्प लगेंगी कि सारे पॉलिसी सही है कि नहीं चेक करो? इंस्टीट्यूशन
इंस्ट्रूमेंट जो जीएसटी एक्ट था वो जीएसटी की वेबसाइट पे उन्होंने अपलोड कर दिया। अब मार्केट एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स मतलब जो सीएस है जो बिजनेसमैन है वो अपना व्यू पॉइंट देंगे जीएसटी एक्ट पे, कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो करना पड़ेगा, सजेशन के लिए ओपन रहेगा। यस, क्या जीएसटी एक्ट ऐसे प्रूव किया गया कि बस यही लॉ है फाइनल वही चलेगा? नहीं ना, आपका व्यू लिया गया ना इस पे। यस, तो दिस इज बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है। यहाँ पे देखो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है क्योंकि मार्केट और मार्केट पार्ट अभी आप सुनिए होंगे सीए का न्यू सिलेबस आ रहा है ना, तो वो जो ड्राफ्ट है वो उन्होंने बना दिया इंस्टीट्यूशन ने, ठीक है, वो ड्राफ्ट के लिए उन्होंने ओपन साइट बनाया। अभी सीएस जाके या फिर स्टूडेंट जाके अपना व्यू पॉइंट बोल सकते हैं वो ड्राफ्ट पे न्यू सिस्टम पे। तो ये क्या बाई डायरेक्शनल प्रोसेस हुआ ना कि इंस्टीट्यूट ने बस बोल दिया कि न्यू सिलेबस अप्लीकेबल हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, मार्केट मार्केट पार्टिसिपेंट को पूछ रहे ना बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। और पॉलिसी बनाने के लिए हमेशा होलिस्टिक डेवलपमेंट नोटिस आएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट सबको ध्यान में रखते पॉलिसी बनेंगी, समझा? तो कोर मोटिव बिहाइंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज होलिस्टिक डेवलपमेंट, और ये पांच प्रोसीजर के पार्ट है, पॉलिसी कॉन्टेक्ट कंटेंट इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट एंड मार्केट पार्टिसिपेंट, समझा? इजी है? यस। अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज बाय इंटेंडेड इंपैक्ट, चार टाइप ऑफ पॉलिसीज है, प्रोटेक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटरी एंड फैसिलिटेटिव। इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क कर लो, प्रोटेक्शन टू लोकल बिजनेसेस इज प्रोटेक्टिव पॉलिसी। यहाँ पे एग्जांपल है, मिड 50s से 80s में हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट किया था बाहर की कंट्री के बिजनेसेस को आके इधर बिजनेस करने को, क्योंकि हमारे कंट्री के लोकल बिजनेसेस को प्रोटेक्शन मिले, समझो? रेगुलेटरी, हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई अथॉरिटी रहेगा जो गवर्न करेगा सेक्टर को, जैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए आरबीआई, मनी मार्केट के लिए आरबीआई, कैपिटल मार्केट के लिए सेबी, डीजीएसटी फॉरेन ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंश्योरेंस सेक्टर को अफेक्ट करता है क्या? यस। तो ये क्या हो गया? रेगुलेटरी पॉलिसीज। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज मतलब हम लोग हार्मफुल चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल, डेट्रीमेंटल टू दी सोसाइटी, जैसे प्रदाता को बैन कर रहे, इट इज रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। यहाँ पर एग्जाम्पल है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, रेस्ट्रिक्ट भी करता था एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस जो कॉम्पिटिशन को हार्म करता है, तो वो क्या गया? रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। फैसिलिटेटिव मतलब ऐसी पॉलिसीज जो फैसिलिटेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक्टिविटीज को। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये स्किल डेवलप करता है लोगों में, तो ये फैसिलिटेटिव पॉलिसी है क्या? यस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अलग से पॉलिसीज बनते हैं, तो ये उनको फैसिलिटेट करने के लिए क्या? समझ में आ रहा? यस। उसके बाद लिबरलाइजेशन मतलब रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स रिलेटेड टू, नहीं रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स या फिर रेगुलेशन हटाना, अगर ये पिछले रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इट इज ग्लोबलाइजेशन। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड चीज ग्लोबलाइजेशन होगा ना? यस। अगर मैं बोलूँ सिर्फ रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, इट इज लिबरलाइजेशन। समझ गया क्या? यस। लिबरलाइजेशन कैसे कैसे हुआ था हमारे कंट्री में? पहले जो 18 सेक्टर्स थे रिजर्व थे गवर्नमेंट के लिए, अभी कितने? 3। कौन से? डिफेंस, रेलवे एंड एटॉमिक एनर्जी। यहाँ पे पूछते हैं और वन ऑफ विंडो, एयरक्राफ्ट एंड वॉरशिप्स, एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर वेपन्स, रेलवे एंड एग्रीकल्चर। तो क्या होगा? एग्रीकल्चर, क्योंकि बाकी सब सिर्फ गवर्नमेंट कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, समझा? उसके बाद हम लोगों ने लाइसेंसिंग बहुत सारे सेक्टर से हटा दिया है, सिर्फ सेंसिटिव सेक्टर जैसे ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, अल्कोहल, सिगरेट्स, ऐसे सेक्टर्स के लिए लाइसेंसिंग रखा है। उसके बाद में एमआरटी एक्ट बोलता था सर्टिफिकेशन लो कि आप एंटी कॉम्पिटिटिव कुछ नहीं करेंगे, बट कॉम्पिटिशन एक्ट ऐसा बोलता है क्या? नहीं, अगर आप एंटी कॉम्पिटिटिव करेंगे तो कॉम्पिटिशन एक्ट आपको इफेक्ट करेगा, समझा? यस। उसके बाद में 800 आइटम्स थे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थे, टॉयज हो गया, स्कूल हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग, ये अब ऐसा है क्या? रिजर्वेशन, अब कोई भी लोग कोई भी बिजनेस कर सकता है क्या? प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट ओनरशिप ट्रांसफर करना प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहली कंपनी इन द वर्ल्ड प्राइवेटाइज्ड इज ब्रिटिश कोल माइंस, ठीक है? मार्गरेट थैचर ने इसका प्राइवेटाइजेशन किया था 1980s में अराउंड, ठीक है? यस। प्राइवेटाइजेशन की कुछ तकनीक, प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाहिए बोलो?
गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लोग अपने से डिस्कस करते हैं क्या? तो कॉस्ट स्ट्रक्चर सही है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज्यादा ध्यान से कॉस्ट एफिशिएंटली बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन करेगा, है ना? गवर्नमेंट कंपनी जितना ध्यान से, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है वो उतने मोटिवेटेड नहीं रहते, उनका एफिशिएंसी नहीं रहता, प्रोडक्टिव नहीं रहते, इसलिए बेटर है कि गवर्नमेंट की ओनरशिप ट्रांसफर कर दो प्राइवेट सेक्टर को। हाँ, हायर एंड फायर पॉलिसी में बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि गवर्नमेंट जब प्राइवेटाइजेशन कर रही थी तब लोगों ने इसको इजीली एक्सेप्ट किया था क्या? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना पार्शियल ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा था, मतलब 49%, तो इसमें प्राइवेट पीपल को कंट्रोल मिलेगा क्या बिजनेस में? सारे पॉलिसीज तो इंडियन गवर्नमेंट बना रहा डिसीजंस, क्योंकि 51% उसके पास है, समझा? तो कोई भी लेने को रेडी नहीं था बिजनेसेस, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स है उसका 49% बेचा, क्योंकि लोग वो बिजनेस ट्रेड है प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स का, लेकिन जो लॉस मेकिंग यूनिट्स है उसका 20% बेचा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उसको पूरे तरीके से एक्वायर करके अपना तरीके से बिजनेस चला पाए, समझा? जो लॉस मेकिंग यूनिट्स वाज सोल्ड फ्रीली एंड प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स वाज सोल्ड पार्शियली, समझा? यस, टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन है डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा है बिजनेस का, सिर्फ डिलीवरी प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? डेलीगेशन, क्योंकि यहाँ पे आप लोग एक पर्टिकुलर काम सौंप रहे प्राइवेट सेक्टर, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंचाइज, ग्रांट के थ्रू सब हो सकता है। अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी ऑफ स्टेक बेच रहा है दूसरे प्राइवेट सेक्टर का, तो क्या बोलेंगे आपका? डाइवेस्टमेंट, अपना ओनरशिप भी डाइवेस्ट कर दे रहा, और छोटे से पोर्शन बेच रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप, ठीक है? मेजोरिटी स्टेक बेचना इट इज छोटा मोट डाइवेस्टमेंट, कम शेयर बेचना इज डिसइन्वेस्टमेंट, बड़ा वर्ड, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट मतलब प्राइवेट सेक्टर का जो एंटिटी है वो एक्सपैंड होता है और ग्रेजुअली डिस्प्लेस कर देता है गवर्नमेंट एंटिटी को, जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये सब ग्रेजुअली एक्सपैंड हुआ, ग्रो हुआ, और उन्होंने बीएसएनएल एमटीएनएल का धंधा बंद कर दिया, समझा? डिस्प्लेसमेंट में प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपैंड एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेसेस द गवर्नमेंट एंटिटी, यस। उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि आप लोग जो बॉर्डर्स है उनको साइड में रख के इजिली बिजनेस कर सकते हैं, रिसोर्सेज एक से दूसरे कंट्री में इजिली मोबाइल मिल सकते हैं, मोबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है? मोबिलिटी मतलब ट्रांसफर, इधर से इधर रिसोर्सेज मूव होना इजी हो जाता है क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से? आप लोगों को वर्ल्ड इकोनॉमी एक हो जाती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, मतलब हमारी इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है यूएसए का, यूएसए की इकोनॉमी में इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, समझा? यस, तो बेसिकली यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लाने के तरीके बोले गए। NRIOCI है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया, ये लोग फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं हमारे कंट्री में टैक्सेस के फॉर्म में। उसके बाद में ADR GDR, अमेरिकन डिपॉजिटर रिसीव्स, ग्लोबल डिपॉजिटर रिसीव्स, है ना? ये भी क्या वन ऑफ द मेजर फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री में लाने का, है ना? यस। उसके बाद में FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये लोग हमारे जैसे लोग हैं जो फिर उतने क्वान्टिटी में शेयर्स बाय कर रहे हैं, ठीक है? मैं नेटफ्लिक्स के शेयर्स बाय कर रही हूँ, मुझे लग रहा है नेटफ्लिक्स में बहुत पोटेंशियल है, तो मैं उनके लिए क्या हो गई FPI, मैं क्या हूँ 100% शेयर बाय कर सकती क्या? नहीं, छोटी सी क्वान्टिटी दो चार शेयर्स, दैट इज FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। उसके बाद FII, ये लार्ज इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स है फॉरेन के, जो बल्क में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है? इनके पास सब्सटेंशियल इन्वेस्टेबल फंड्स है, मतलब बहुत ज्यादा फंड्स है, ये क्या करते हैं जहां पे भी मार्केट बढ़ रहा वहां पे अपना पैसा लगा देते हैं थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज में, जिसकी वजह से क्या होगा मार्केट बढ़ जाएगा क्या, और है ना लोग खरीदेंगे तो मार्केट बढ़ेगा, और वैसे उनको समझ में आ रहा कि ये कितने पहुंच गया, आप मार्केट गिरने वाला है तो अपने पैसे विड्रॉ कर लेंगे, मतलब उनका एम सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग है क्या शेयर मार्केट से? यस। क्या ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते बिजनेस में? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए, समझ तुम लोग। हाँ, FII क्या कर रहे हैं, फॉरेन से पैसे लेके आ रहे हैं, हमारा शेयर मार्केट बढ़ने वाला है तो उसमें बहुत सारा पैसे लगा दे रहे, जैसे ही शेयर मार्केट बढ़ गया अपने सारा पैसा निकाल लेंगे प्रॉफिट के साथ, तो ये अच्छा बुरा है हमारे कंट्री के लिए? बुरा है ना, अपने पैसे लेके चल जा रहे हैं, इन शॉर्ट शॉर्ट के लिए पैसा आता है हमारे पास बस, समझा? FII है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूनिट है FII का। FII का एम प्रॉफिट अर्निंग नहीं रहता, इनका एम रहता कंट्रोल या फिर मैनेजमेंट ओनरशिप, समझा? ये साथ में लेके आते बाहर से टेक्नोलॉजी,
वहां के मैनेजमेंट, वहां के ह्यूमन रिसोर्स, वहां के लेबर्स, इनोवेशन, है ना, एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस या फिर हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, है ना। एफडीआई अच्छा है क्या? हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए कितना एफडीआई, जब तक देखो डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, ये सब कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, है ना, तो उनका प्रॉफिट हमारे गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में, समझा? यस, दिस इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट कभी एफआईआई प्रेफर करेगी या एफडीआई प्रेफर करेगी? एफआईआई या एफडीआई, क्या प्रेफर करेंगी गवर्नमेंट? एफडीआई करेगी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा चीज है ना। यस, एफडीआई का हर सेक्टर के लिए सेम है? नहीं, किसी सेक्टर के लिए 100% हो सकता है, जैसे हमारा प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन, या हमें प्राइमरी बहुत बढ़ावा मिले, बाहर की टेक्नोलॉजी आए हेल्थ में, तो इसके लिए हम 100% अलाउ करेंगे। ऐसे सेक्टर से जहाँ पे बहुत क्रूशियल है डिफेंस, जहाँ पे हम लोग 100% अलाउ नहीं कर सकते, कल जाके चाइना हमारा डिफेंस संभालेगा, तो वहां पे 26% अलाउ करो, तो 26, 49, 51, 100, ऐसे रेट में हम लोगों ने एफडीआई को डिवाइड किया है, समझा? सब सेक्टर के लिए सेम है क्या एफडीआई? नहीं। इंश्योरेंस के लिए कितना एफडीआई? 49%, पहले 26 था, अब 49% है, चैप्टर 5, ठीक है। एफडीआई के लाने के तरीके है कुछ, अगर आपने किसी की परमिशन नहीं लग रही तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोमेटिक रूट, परमिशन नहीं लग रही, ऑटोमेटिक रूट। अगर गवर्नमेंट की परमिशन लग रही, गवर्नमेंट रूट, गवर्नमेंट की परमिशन का मीनिंग है दूसरी बॉडी, मतलब एफआईएफटी, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेटअप, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अगर एफआईएफटी का परमिशन लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट रूट, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेटअप, याद रहेगा ये चीज। यस, एसबीआई कुछ सेक्टर्स में प्रोहिबिटेड है, कि ला ही नहीं सकता आप एसबीआई। कौन से सेक्टर्स है? एटीआई, अपने याद करते सब, ए फॉर एटॉमिक एनर्जी, बी फॉर बिजनेस ऑफ चिट फंड, सी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, सिगारेट, टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। यस, उसमें है इस सेक्टर्स में एफडीआई अलाउ है क्या? नहीं, एटॉमिक एनर्जी, बिजनेस ऑफ चिट फंड, सिगार, सिगारेट का मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग नहीं है। डी, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। ई, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में कुछ एक्सेप्शन है, मतलब ऐसे सेक्टर्स जहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है, कहाँ कहाँ? डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, नीचे सब टू सर्टन एक्सपेंट, ठीक है। रियल एस्टेट एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए आप एफडीआई अलाउ करेंगे क्या? नहीं। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप के लिए अलाउ कर रहे हैं क्या? यस, क्योंकि वो एक्सेप्शन है। ई, एफ, फार्मिंग, फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है क्या? यस, बहुत सारे, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, मशरूम्स, पिसिकल्चर, है ना, उसके बाद में बहुत सारे, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, यहाँ पे सब जगह एफडीआई अलाउ या नहीं है? एग्रीकल्चर में नहीं है, मतलब आपका नॉर्मल गेहूं, ज्वारी, मक्का उगाना, इसमें एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, मशरूम, इन सब में अलाउड है। एफ जी, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, एच आई, हाई नीपी, नीपी कंपनीज, जे, घाट, घाट मतलब प्लांटेशन, प्लांटेशन में एफडीआई अलाउड नहीं है, शुगर प्लांटेशन, कोकोनट प्लांटेशन, कहीं भी, लेकिन इसका एक्सेप्शन है टी प्लांटेशन, चाय, क्योंकि हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ना वर्ल्ड में, तो टी प्लांटेशन में एफडीआई अलाउड है। के से कुछ नहीं, एल से लॉटरी बिजनेस, ये लिस्ट याद करना कंपल्सरी, और यू नॉट पूछिंग एक कॉपी, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके में एफआई हमारा ऑलरेडी हो चुका है, उसके में जैसे हम लोग फॉरेन से एफडीआई लेके आते हैं, वैसे क्या हम भी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे बिजनेसेस? यहाँ के कुछ एग्जाम्पल से, पीवीआर ने श्रीलंका में अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया है, फर्स्ट चेन स्टार्ट किया है। भारतीय एयरटेल ने मॉरिशस में अपने सब्सिडियरी स्टार्ट किया है, उसके बाद में सन फार्मा ने चाइना सिस्टम मेडिकल होल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो हम लोग भी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और क्लियर बोलते हैं इसको, आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, समझा? चैप्टर फोर इजी है, इसके पीछे के क्वेश्चन मस्ट रीड, एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। यस, हाँ, अब इसके अलावा दूसरी चीजें एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको चैप्टर वन नोटबुक से रीड करना है, चैप्टर टू हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है, मैं अपलोड कर रही हूँ चैप्टर का रिविजन, चैप्टर थ्री चार्ट पढ़ना है कल सुबह, मतलब एग्जाम के दिन सुबह एक बार चार्ट पढ़ लो, चैप्टर थ्री का इससे पिछले क्वेश्चन भी हर चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल के क्वेश्चन, चैप्टर फोर रिविजन हो गया है,
मॉडल के पीछे के क्वेश्चन पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर 5 का ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, पहले का लेक्चर वो देख सकते हैं एंड उसका मॉडल के पीछे के क्वेश्चन। चैप्टर 6 सबसे पहले मॉडल के पीछे के क्वेश्चन रीड करना, रट्टा एज इट इज, आपको वो वर्ड्स आने चाहिए। उसके अलावा मैंने क्लास में कुछ वर्ड्स मार्क कराए थे तो इम्पोर्टेंट है उसमें कुछ, जैसे राइट बाय बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, इट इज कॉल ऑप्शन, ऐसे वर्ड्स है वहां पे, वो आपको देखना पड़ेगा चैप्टर 6 में, ठीक है। चैप्टर 3 और 6 लास्ट में पढ़ो, पहले ये चैप्टर खत्म करो 1, 2, 4, 5 और चैप्टर 3 और 6 के लास्ट के क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस, एग्जाम में क्या करना है, ठीक है, इसका मैं अलग से बनाती वीडियो।